देश प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति हुई है। मुलायम सिंह यादव का निधन बहुत ही दुखद समाचार है देश के लिए। आप इसे क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सर्वप्रथम तो बात यह है कि जनता ने एक ऐसे नेता को खो दिया है जिसको धरती पुत्र के नाम से जनता हमेशा याद रखेगी, और धरातल से जुड़े हुए हमारे नेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को अमल में लाने के लिए चौधरी सिंह के अनुयायी भी थे मुलायम सिंह जी। तो हम लोगों ने एक ऐसे नेता को खोया है जो बड़ा यथार्थवादी नेता थे, धरातल से जुड़े हुए नेता थे, और जिनकी कमी आप समझिए आने वाले समय में भारत की राजनीति में हमेशा महसूस की जाती रहेगी। और ये भी यकीन मानिए कि अब ऐसे नेताओं का वर्तमान समय में कहीं ना कहीं वास भी होता जा रहा है जो जनता से जुड़े और जनमुद्दों को हमेशा राजनीति से परे, राजनीतिक बाध्यताओं से परे और राजनीतिक दलों से परे रहकर संसद में उठाते रहे, विधानसभा में उठाते रहे, और जिनका सर्वमान्य का चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, आप देखिए आज की डेट में उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के नेतागण हो, चाहे कांग्रेस के हो, हर तरफ एक शोक व्याप्त हो गया। और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदत्त करें। जी अंकुर जी, अब मुलायम सिंह यादव कितनी बड़ी शख्सियत के नेता थे, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब से अखिलेश यादव वेदांता अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को लेकर निकले हैं यमुना एक्सप्रेस वे से और आपके इधर तक जितने भी जिले पड़े हैं वहाँ पे भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, आम जनता के लोग मौजूद रहे, उनके अभिनंदन के लिए, उन पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ से भी, हमारे राजनीतिक दल से भी जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और हमारे यहाँ से भी केंद्रीय नेतृत्व की संभावना है कि वो भी पहुँचेंगे और जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व चौधरी जयंत सिंह जी, जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी मेदांता में भर्ती थे तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जाने वाले और देखने जाने के लिए प्रथम पंक्ति के नेताओं में थे, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और कहीं ना कहीं दुख की इस घड़ी में हम लोग राष्ट्रीय लोकदल परिवार जो है माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार के साथ में कदम दर कदम खा रहे हैं, और हम लोग ये आश्वस्त है कि हम चौधरी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सपने को अधूरा नहीं छोड़ेंगे और अखिलेश जी के साथ में मिलकर सदैव काम करेंगे और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम लोग। अंकुर जी, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जो उनके सानिध्य में सपा सरकार को जो निर्देश मिल रहे थे वो निर्देश से वो वंचित हो चुकी है, कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं सपा के लिए इसको? जी निश्चित रूप से इस क्षति की भरपाई संभव नहीं है, क्योंकि जो अनुभव होता है वो युवाओं के साथ जब अनुभव आशीर्वाद के रूप में सम्मिलित होता है तो कहीं ना कहीं वो एक उज्जवल भविष्य के लिए राह प्रशस्त करता है। और आज की डेट में हम ये मानते हैं कि हम लोगों ने अपना एक मार्गदर्शक खोया है, हम लोगों ने अपना संरक्षक खोया है, लेकिन उनकी बताई हुई नीतियों रीतियों पर चलकर भविष्य के एक उज्जवल उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम लोगों का जो भी योगदान हो सकता है हम लोग उसको देने के लिए तत्पर हैं। जी अंकुर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि किसान परिवार में 22 नवंबर 1939 को किसान परिवार में